नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीवन कोश। दोस्तों, आज जिस जड़ी बूटी के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, उसका नाम शायद ही आपने सुना हो, लेकिन उसके फायदे जानकर आप इसे रोजमर्रा की छोटी मोटी प्रॉब्लम में जरूर इस्तेमाल करना चाहेंगे। हम बात कर रहे हैं चिरायता की। दोस्तों, चिरायता एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे आयुर्वेद में कई दवाइयों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इस जड़ी बूटी को वैसे कड़वी जड़ी बूटी भी कहा जाता है क्योंकि ये टेस्ट में कड़वी होती है। और जो लोग इस जड़ी बूटी से वाकिफ होते हैं वो भी इसके बेनिफिट नहीं उठा पाते इसके कड़वेपन की वजह से। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे तरीके बताएंगे जिससे इस जड़ी बूटी का कड़वापन तो दूर होगा ही, साथ ही आपको इस जड़ी बूटी के मैक्सिमम बेनिफिट्स भी मिलेंगे। साथ ही आपको हम ये भी बताएंगे कि आखिर ये जड़ी बूटी किन किन बीमारियों में असरदार है और आपको और आपकी हेल्थ को बेनिफिट दे सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की, लेकिन उससे पहले हम आपको ये जरूर बताएं कि आप जीवन कोश को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी मदद हो सके। दोस्तों, चिरायते में एंथेलमिंटिक प्रभाव होता है। ये एक तरीके का एंटी पैरासिटिक गुण होता है जिससे पेट और आंतों में होने वाले कीड़ों को साफ किया जा सकता है। इसी वजह से पेट के कीड़ों को साफ करने के लिए इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होने की समस्या होती रहती है, ऐसे में बच्चों के लिए भी ये जड़ी बूटी सेफ है। आपको एक चम्मच चिरायते का पाउडर लेना है और 250 ml पानी लेना है और इन दोनों को उबालना है। जब ये पानी आधा रह जाए इसको ठंडा करके इसमें हनी या फिर आप मिश्री मिला सकते हैं क्योंकि इसका स्वाद कड़वा होता है। अब ध्यान रहे, इसे आप या तो खाना खाने से आधा घंटा पहले पिए या खाना खाने के आधा घंटे के बाद पिए। ऐसा आपको हफ्ते भर करना है, देखिएगा आपके पेट के कीड़ों की समस्या कितनी जल्दी दूर होगी। अगर आप ही उन लोगों में से हैं जिन्हें भूख ना लगने की समस्या है और भूख ना लगने की वजह से आपका वजन भी सही तरीके से बढ़ नहीं पाता, तो ऐसे में चिरायता आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकता है। एक रिसर्च में ये सामने आया है कि ये पित्त यानी कि बाइल के सिक्रीशन को बढ़ाता है जिससे भूख बढ़ सकती है। इसी वजह से चिरायते का इस्तेमाल आप भूख बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। बस आपको चिरायते के पत्ते लेने हैं जो कि इजिली आयुर्वेदिक स्टोर पे उपलब्ध है, जिसे हम सूखा चिरायता भी कहते हैं। आपको इसका जूस निकालना है, लेकिन ध्यान रहे ये जूस 50 ml से ज्यादा ना हो। इसे आपको डेली खाली पेट सुबह लेना है और देखिएगा आपको महीने के अंदर ही भूख ना लगने की समस्या जड़ से आपकी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, चिरायते में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी माइक्रोबियल, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, इसीलिए ये स्किन फ्रेंडली होता है और हमारे खून को साफ करने में काफी मदद करता है। ये खून में टॉक्सिन्स निकालकर अलग अलग स्किन डिसऑर्डर से राहत देता है, क्योंकि ज्यादातर स्किन डिसऑर्डर का कारण आपके खून में टॉक्सिन्स का होना होता है, जिस कारण आपको खुजली, रैशेस, सूजन, जलन, ये सब समस्याएं होती रहती हैं। ऐसे में आप चिरायते के पत्तों का पेस्ट बनाकर अपने स्किन पर लगा सकते हैं, नहीं तो आप चिरायते का पानी, जैसा कि हमने आपको बनाना सिखाया, उसे पीकर भी आप अपने खून को साफ कर सकते हैं। दोस्तों, वहीं चिरायता उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी है जिन लोगों की आंखों की रोशनी कम है। आप या तो सूखा चिरायता बाजार से ले आइए और उसे घिस कर एक पेस्ट बना लीजिए, और इस थिक पेस्ट को आप अपनी आंखों के ऊपर रोजाना लगाएं करीब 15 से 20 मिनट। देखिएगा आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे सुधरने लगेगी। इसके अलावा अगर आपको सूखा चिरायता नहीं मिलता तो आप पाउडर को भी लाकर इसी तरह लगा सकते हैं। चिरायता उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जिन्हें IBS यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम रहती है। इस समस्या में या तो बहुत गंभीर दस्त हो जाते हैं या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या आपको सताती रहती है। ऐसे में आप एक ग्लास पानी में करीब 250 ml पानी में 3 ग्राम चिरायता, सूखा चिरायता ले लें और इसे रात भर के लिए भिगोकर छोड़ दें। सुबह इस पानी को छानकर आप खाली पेट पिए। इसमें थोड़ा सा हनी या मिश्री डाल लीजिए जिससे आपको कड़वा ना लगे। इसको आपको रेगुलर एक महीना करना है, देखिएगा कितना पॉजिटिव असर इसका आपकी हेल्थ पर पड़ता है। दोस्तों, लिवर से जुड़ी समस्याओं में भी चिरायता आपकी काफी हेल्प कर सकता है।
चिरायते के पत्तों में भी शक्तिशाली हेप्टोप्रोटेक्टिव और हेप्टोस्टिम्युलेटिव गुण होते हैं, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करने और लीवर को हेल्दी रखने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। बस आपको लीवर की प्रॉब्लम के लिए चिरायते के पत्ते को लेना है, जिसे हम सूखा चिरायता भी कहते हैं। इसका आपको जूस निकालना है। ध्यान रहे, ये जूस 50 ml तक ही होना चाहिए। इससे ज्यादा आप डेली डोज चिरायते का नहीं ले सकते। और इसमें आप थोड़ी सी मिश्री या फिर शहद मिला लीजिए और इसको आप पीजिए। देखिएगा आपको इससे कितना बेनिफिट मिलता है। अगर आप इसे सुबह के टाइम पियेंगे यानी खाली पेट पियेंगे तो ये आपको ज्यादा असर करेगा। और इसके करीब 1 से 1.5 घंटे बाद ही आप नाश्ता करें। देखिएगा अगर आप इस प्रोसेस को रूटीन में रखते हैं यानी कि 1 महीना रेगुलर करते हैं तो आपके लिवर से जुड़ी समस्याएं कितनी जल्दी हील होती हैं और आपको कितना इसका बेनिफिट मिलता है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने चिरायता, जिसके बारे में शायद ही आपने सुना हो, लेकिन ये जड़ी बूटी आपको हर आयुर्वेदिक स्टोर पे मिल जाएगी, आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। अगर आप भी चाहते हैं हेल्दी लाइफ जीना तो आज से ही आप चिरायते को अपनी डाइट में जरूर शामिल करें और इसके मैक्सिमम बेनिफिट उठाएं। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जीवन कोश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।